नमस्कार, आज हम जिस अपॉर्चुनिटी के बारे में बात करने वाले हैं ये गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान के स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की तरफ से निकल के आई हुई है और इसके लिए सभी लोग ग्रेजुएट्स अप्लाई कर सकते हैं। आपको बता दें कि इसके लिए आपको कोई भी एप्लीकेशन फ़ी देने की जरूरत नहीं है, यानी कि एप्लीकेशन फ़ी बिल्कुल फ्री है और साथ ही आपकी जो सिलेक्शन होने वाली है सिर्फ और रिटन टेस्ट और इंटरव्यू के आधार पर होने वाली है। इसके बारे में हम कंप्लीट इन्फॉर्मेशन इस वीडियो में देने वाले हैं, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। इससे पहले कि हम इस वीडियो में आगे बढ़े और इस पोस्ट के बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन जाने, अगर आप एक लॉ स्टूडेंट हैं, लॉ ग्रेजुएट हैं या प्रैक्टिसिंग एडवोकेट हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा लीजिए ताकि आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। इस चैनल पे लीगल जॉब से रिलेटेड वीडियोज हमेशा अपलोड की जाती हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं। अभी आप देखेंगे हम जो है इसके ऑफिशियल वेबसाइट पे हैं, जो कि गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान का स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड का वेबसाइट है और यहाँ पे आपको आने के लिए जो है इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा दिया गया है। यहाँ आने के बाद जो है जब इसके आप रिक्वायरमेंट वाले सेक्शन में आएंगे तो इसका नोटिफिकेशन आपको सबसे ऊपर ही देखने को मिल जाएगा। हमने इसकी नोटिफिकेशन को पहले से डाउनलोड करके रखा है तो आपको यहाँ पे उसकी दिखा देते हैं। तो अभी आप देखेंगे ये जो है राजस्थान स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की ऑफिशियल नोटिफिकेशन है और यहाँ पे जो है कई अलग अलग पोस्ट वैकेंसी निकल करके आई हुई है। यहाँ पे आप देखेंगे कई अलग अलग पोस्ट वैकेंसी निकल के आई है, जिसमें कि सबसे पहला जो है लॉ ऑफिसर का है और इसमें जो है टोटल 2 पोस्ट वैकेंसी है। इसके अलावा भी कई अलग अलग पोस्ट वैकेंसी है, टोटल मिलकर के यहाँ पे 152 पोस्ट वैकेंसी निकल करके आई हुई है। लेकिन हम यहाँ पे लॉ ऑफिसर के जो पोस्ट के बारे में बात कर रहे हैं, इस पोस्ट के लिए क्वालिफिकेशन की बात करें तो आपको बता दें मस्ट बी अ लॉ ग्रेजुएट फ्रॉम अ यूनिवर्सिटी एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ इन इंडिया, यानी कि आपके पास लॉ ग्रेजुएट होने चाहिए आप, यानी कि आपके पास लॉ की डिग्री होनी चाहिए जो कि किसी भी रिप्यूटेड इंस्टीट्यूट से हो सकती है जो बार काउंसिल ऑफ इंडिया से अप्रूव्ड यूनिवर्सिटी हो। जैसे कि हमने आपको बताया कि इस पोस्ट के लिए सिलेक्शन के लिए आपको सिर्फ और रिटन एग्जामिनेशन देनी है और उसके बाद आपकी इंटरव्यू होगी और उसी के आधार पर आपको इस पोस्ट के लिए सिलेक्ट किया जाएगा। तो जो रिटन एग्जामिनेशन होगी उसके सिलेबस की अगर हम बात करें तो लॉ ऑफिसर के जो जॉब पोस्ट है इसके लिए जो सिलेबस रखी गई है इसे 2 पार्ट में बांटा गया है, पार्ट ए और पार्ट बी। पार्ट ए की अगर हम बात करें तो इसमें जो है आपको इन्वायरमेंटल लेजिस्लेशन इन इंडिया, इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986, उसके अलावा इसकी अमेंडमेंट, इसकी जो रूल्स है, नोटिफिकेशन है, इस सब के बारे में आपको नॉलेज होनी चाहिए। साथ ही वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन एक्ट, इसके बारे में एयर प्रिवेंशन और कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन एक्ट, उसके अलावा पब्लिक लाइबिलिटी इंश्योरेंस एक्ट, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल एक्ट, इन सभी एक्ट के बारे में आपको नॉलेज होनी चाहिए। उसके अलावा राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट, उसके बाद यहाँ पे आप नीचे देखेंगे तो लिखा हुआ है रोल्स ऑफ जुडिशरी इन कम्बेटिंग पॉल्यूशन, सोशल एंड सिविल सोसाइटी मूवमेंट इन प्रोटेक्टिंग एनवायरनमेंट, कंसेप्ट ऑफ पब्लिक पार्टिसिपेशन, कॉर्पोरेट एनवायरमेंटल रिस्पॉन्सिबिलिटी। सीधे तौर पे अगर हम देखें तो हर जगह पे एनवायरमेंटल से रिलेटेड जो है आपसे यहाँ पे क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, यानी कि एनवायरमेंट के ऊपर जितनी भी लॉज हैं, जितनी भी रूल्स हैं, जितनी भी नोटिफिकेशन निकाली गई है उन सब के बारे में आपको नॉलेज होनी चाहिए। उसके अलावा रोल्स ऑफ पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, पॉलिसी स्टेटमेंट ऑफ एबेटमेंट ऑफ पॉल्यूशन, इसकी सिलेबस जो थोड़ी सी बड़ी है। इन सबके अलावा जो है आपको यहाँ पे इंडियन पिनल कोड, सिविल प्रोसीजर कोड, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, प्रोविजन रिक्वायर्ड टू बी रेफर्ड जनरली इन गवर्नमेंट ऑफिस विल बी गिवन इंपोर्टेंस, इन सबके अलावा एविडेंस एक्ट, लिमिटेशन एक्ट, इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टेटस, ड्राफ्टिंग एंड कन्वेंसिंग, इन्वायरमेंट रिलेटेड एक्ट्स एंड स्टेटस, जनरल एडमिनिस्ट्रेशन लॉ, इंपोर्टेंट सुप्रीम कोर्ट एंड नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल डिसीजन ऑन एनवायरमेंट, नेशनल इंटरनेशनल इवेंट रिलेटेड टू एनवायरमेंट एंड कॉमन अंडरस्टैंडिंग ऑफ एनवायरमेंटल प्रोसेस। तो ये जो है इसकी कंप्लीट डिटेल सिलेबस थी। उसके अलावा इसकी जो पार्ट बी है इसमें जो है जनरल नॉलेज विथ स्पेशल रेफरेंस टू हिस्ट्री, आर्ट, कल्चर, ट्रेडिशन, लिटरेचर, हेरिटेज एंड जियोग्राफी ऑफ राजस्थान, उसके अलावा मैथमेटिक्स, रीजनिंग और करेंट अफेयर्स। पार्ट बी में इन सबसे क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, वहीं पार्ट ए में जो है जो इसकी जो सिलेबस हमने बताया है, कवर किया है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इसकी जो एग्जामिनेशन होगी वो जो है लगभग 15 नवंबर 2023 से लेकर के 31 दिसंबर 2023 के बीच में हो सकती है। इस पोस्ट के लिए अप्लाई करने का जो डेट है वो 20 सितंबर 2023 से शुरू हो चुकी है और आप इसके लिए 30 सितंबर 2023 तक अप्लाई कर सकते हैं। तो अगर आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं, इंटरेस्टेड हैं, अप्लाई करना चाहते हैं तो इसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा दिया गया है, आप वहां से क्लिक करके इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ऐसे और लीगल जॉब पोस्ट से रिलेटेड वीडियोस देखने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों तक शेयर जरूर कीजिए। मिलते हैं किसी और नए लीगल वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।